आप सब एक बार फिर आज सभी के बीच हाजिर हूँ स्मार्ट स्टोर कीपर चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सीखने वाले हैं, तो वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उससे कोई भी वीडियो आपको जो है मिस ना हो। इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो स्टोर कीपर से रिलेटेड वर्क के बारे में सीखेंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आपको कौन से कोर्स करने चाहिए और उसके साथ साथ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और आप जो CV बनाएंगे अपना रिज्यूम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो है हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। जो कि बहुत सारे मेरे जो है व्यूवर्स हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जो है पता नहीं है, जैसे कि ऑयल गैस हो या कंस्ट्रक्शन हो या फिर आपको सिविल से रिलेटेड जो भी वर्क हो या वेयर हाउसिंग से हो या स्टोर साइट से हो रिलेटेड वर्क, वो सारे चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक नए स्टोर कीपर हैं और आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, और उस कंपनी में चाहते हैं कि आप कम समय में जो है ज़्यादा तरक्की करें, ज़्यादा आगे जाएं, आप एज ए स्टोर कीपर ना रहें, आप स्टोर कीपर से सुपरवाइजर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, इससे ज़्यादा जो है आप स्टोर कीपर से ज़्यादा जो है प्रमोशन आप कर सकें और अच्छी सैलरी आप पा सकें और आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो है मैं हमेशा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ तो आप इंटरव्यू देने से पहले जो है इस चैनल के ज़रूर वीडियो देख कर जाएं, क्योंकि मैंने जो है वीडियो इसमें सबसे जो है ज़्यादा वीडियो अपलोड किया हुआ है स्टोर कीपर से रिलेटेड वर्क का, जो कि देखना आपको चाहिए। क्योंकि जब आप क्लास करने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, लेकिन ऑफलाइन जो काम होता है उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज से आपको जो है इंटरव्यूअर जो है आपको जो है वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर कर भी लिया तो इन फ्यूचर आप जब जा रहे हैं कंपनी में काम करने तो वहाँ पे आपको बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, आपको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सीख कर जाएंगे तो आप कंपनी में जो है ज़्यादा जल्दी जो है आप प्रमोशन कर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे आप। तो इसलिए जो है मैं इस चैनल पर जो है हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने व्यूअर्स से कि जब भी आप किसी कंपनी में जाएँ काम करने या अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है इस चैनल की वीडियो ज़रूर देख के जाएं, खास करके वो वीडियो देखें जो कि मैनुअल्स काम के हैं यहाँ पे, कि काम कैसे होता है, कैसे वेयर हाउस स्टोर में मटेरियल्स रखा जाता है, मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, उसके क्या नाम है, ठीक है ना। तो मटेरियल्स की नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ में मैंने इसमें बताया हुआ है कि डेली रिसीविंग रिपोर्ट के बारे में, डेली इशुएंस रिपोर्ट के बारे में, उसके साथ साथ में मैंने कोटेशन जो है उसके बारे में बताया हुआ है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ है। ये चीज़ें जो है आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जो है पता होना चाहिए। जब आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, आप जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है PO, PR, TRN, ARV ऑन हैंड, तो ये चीज़ें आपको पता होगी तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो आप जो है इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वीडियो ज़रूर देखें और इस चैनल से जुड़ जाएँ। अब जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो है वो ये है कि आप अगर जाएंगे इंटरव्यू देने तो इंटरव्यूअर ज़रूर आपसे जो है PO के बारे में पूछेगा। बहुत सारे इंटरव्यूअर जो है FIFO और LIFO के बारे में भी पूछते हैं, जो कि बहुत से जो है व्यूअर्स को शायद पता नहीं होगा, लेकिन वो सर्च करके भी चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन FIFO और LIFO क्या होता है कि एक एनुअल इन्वेंट्री की तरह सेम ही चीज़ है ये। जैसे कि हम क्या करते हैं कि साल में जो है एंडिंग होती है तो हम इन्वेंट्री करते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं, और फिर उसको ले जाकर नेक्स्ट ईयर में जैसे ओपन होता है, जैसे कि अब जो है जनवरी स्टार्ट हो गई 2022 का, तो उसमें जो है ये ओपनिंग बैलेंस करके हम कंपनी को दिखा देंगे कि वेयर हाउस में जो है इतने मटेरियल्स अपने हैं। तो FIFO का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाता है, ठीक है ना, और LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, लेकिन फॉर्मूला वही होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है आप अगर काम करना चाह रहे हैं इसमें और काम सीखना चाह रहे हैं तो इस चैनल की वीडियो ज़रूर देखें, थंबनेल पे ना जाएं। जो मैनुअल काम है इसमें ऑफलाइन काम है वो जानना आपको बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने जो ये वीडियो बनाया हुआ है PO, PR और TRN से रिलेटेड, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मटेरियल्स की सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्ड के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। PO का मतलब परचेज ऑर्डर, PR का मतलब प्रोडक्ट रिसीव, TRN का मतलब ट्रांसफर नोट, ARV का मतलब
अराइवल्स और ऑन हैंड, मतलब कि मटेरियल्स फिजिकल क्या अवेलेबल है आपके स्टोर और वेयर हाउस में, इससे रिलेटेड ऑन हैंड हम जो है चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने बता दिया हुआ है। दूसरी चीज़ जो है इसमें आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने वर्क भी बताया हुआ है कि क्या क्या वर्क होता है, मटेरियल्स का जो है यहाँ पे नॉलेज दिया हुआ है, जिसका नाम जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काम करने जाएंगे तो ये नाम जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि भाई आप जो है स्टोर कीपर हैं तो कौन से डिपार्टमेंट करते हैं काम। आपको ये भी नहीं पता होगा कि डिपार्टमेंट इसमें होती है, आप तो कंप्यूटर समझ के जाएंगे। तो इसमें मैं बता दूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल्स, सिविल और उसके साथ साथ सेफ्टी, ये सारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं, सारे का काम करना पड़ता है। MEP आता है इसमें, ठीक है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स और प्लम्बिंग, ये चीज़ें हैं। MEP इसमें आता है, उसके अंडर में जो है काम होता है, MR बनता है, PU बनता है, हर चीज़ बनता है उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने जो है पिछली वीडियो में आपने बता दी हुई है, जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है डायनेमिक्स से रिलेटेड, ERP से रिलेटेड, उसमें हर चीज़ जो है मैंने क्लियर बताया हुआ है। और एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि वो चीज़ डायनेमिक्स पे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, MR कैसे बनाते हैं, तो वो भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया हुआ है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर स्टोर कीपर यूज करते हैं, तो ये भी वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। और उसके साथ साथ में कुछ मटेरियल्स के वीडियो आप यहाँ से देख कर जाएं, जैसे ये पेंड्यूट्स वाला हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बॉक्स का हो गया, यहाँ पे ये PVC पाइप का जो है कंड्यूट्स का हो गया। उसके साथ साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग फिक्चर्स का हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे B3 केबल्स का हो गया, कुछ अर्थिंग मटेरियल्स के बारे में भी बताया हुआ है, यहाँ पे गेट बल्ब से रिलेटेड बताया हुआ है। तो ये सारे वीडियो जो है आप ज़रूर देख के जाएं। इससे देखने से क्या होगा कि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे, जब इंटरव्यूअर को आप बताने लगेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपने काम किया हुआ है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में आपसे इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन जब आपको काम का तरीका पता होगा तो आपको सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो जानता है, बंदे को पता है काम, तो वो लेकर जब जाएगा वहाँ पे तो आपको ज़्यादा जो है वहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होगा, आप जल्दी सेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है 2 CV बना के रखा हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 2 CV मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और ये 2 CV के जरिए जो है इसी के साथ में आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अगर आप एक CV बना रहे हैं तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल की अगर आप स्टोर कीपर का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टोर कीपर लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे फोटो लगा देंगे, अपना फोटो होना चाहिए, उसके बाद से पोस्ट अप्लाई फॉर लिख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे आप जो है अपना ट्रेड डाल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा कैरियर ऑब्जेक्टिव्स डाल सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको देना है, ठीक है ना, जो भी होगा आपको यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे देना है। उसके बाद से यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अब देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास में अगर 12th भी है, ISE, ठीक है ना, और BSc भी है तो चलेगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको जो है टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए और मटेरियल्स की नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल जो है आपको कौन से कोर्स करने चाहिए, तो मैं बता दूँ यहाँ पे अगर आपने 12th कर लिया हुआ है और या आपने BSc कर लिया हुआ है और आप एज ए स्टोर कीपर जाना चाह रहे हैं, गल्फ कंट्री में काम करना चाह रहे हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैंने दिया हुआ है ADCA, ये जो है 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है कोर्स, ठीक है ना। ये ADCA अगर आप कोर्स कर ले रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जिससे आप जो है ये काम कर लेंगे। इसके साथ साथ में आपको टैली भी इसमें आ जाता है, DFA जो होता है वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट में। तो ये चीज़ें जो है DCA और DFA को मिलकर ADCA बनता है, और उसमें बहुत सारे जो है सी लैंग्वेज के भी कोर्स इसमें आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा कोर्स है। अगर ये कोर्स आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप DCA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन सर्टिफाइड अकाउंट, ये 6 महीने का कोर्स होता है, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है ना, उसमें भी आप जा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में अगर सर्टिफिकेट यहाँ पे साथ में मिलता है और कोई वहाँ पे इंस्टीट्यूट है जो कि स्टोर कीपर का कोर्स कराते हैं लोग बोलकर, हालांकि वो स्टोर कीपर का कोर्स होता नहीं है, लेकिन बोलते हैं लोग कि ये स्टोर कीपर का कोर्स है। एक स्टोर कीपर का काम क्या है इसमें मैं बता दूँ, अगर आप स्टोर कीपर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मटेरियल को स्टोर करना है, ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको मटेरियल को स्टोर करना है तो आपके पास में बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको ये नहीं है कि आप जो है एक्सेल में पूरा मास्टरमाइंड हो, या आपको कंप्यूटर पूरा परफेक्ट आना चाहिए, या MS वर्ड में जो है आपको A to Z आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको अगर मटेरियल्स की नॉलेज ज़्यादा है, आप ज़्यादा जानते हैं मटेरियल्स के बारे में और आप अच्छे काम कर सकते हैं,
तो आपके पास में अगर DCA की कोर्स भी होगी, अगर 6 महीने की डिप्लोमा कोर्स, और आपने अच्छा कमांड बना के रखा हुआ है एक्सेल पे, MS वर्ड पे, तो इसमें क्या होगा कि आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वहाँ पे आप काम करेंगे तो इसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना काम खुद कर लेंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप CSK कर ले रहे हैं, सर्टिफाइड स्टोर कीपर का, तो इसमें आपको A to Z एक्सेल का मिल जाएगा। ये भी अच्छा कोर्स है आपके लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब कोर्स है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इससे क्या होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी, सर्टिफाइड स्टोर कीपर का डिप्लोमा कोर्स है ये अगर आपके तरफ में कोई करा रहा है तो ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आप जो है, इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, आप टाइपिंग जरूर करेंगे, इंग्लिश की टाइपिंग आपको करनी है, चाहे आप 1 महीना करें, चाहे आप 2 महीना करें, या आप उसको कंप्लीट करें, ठीक है ना। लेकिन टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कम से कम टाइपिंग की स्पीड जो है 25 से 30 होनी चाहिए कम से कम, अगर 30 से अबव है तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाइपिंग होगी उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ साथ में ERP का कोर्स जो है आपको नहीं मिलेगा, अगर मिल रहा है तो आप कर लें। ERP में अपने यहाँ टैली का कोर्स कराते हैं लोग, तो आप चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन इस पे काम नहीं होता है, यहाँ टैली नहीं चलता है, यहाँ पे SAP और ERP जो है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स चलता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं अपने अलग अलग कंपनी के, अपने अपने जो है अपने यूज करते हैं, लेकिन लगभग सबका जो है लगभग काम जो है सेम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको स्पोकन इंग्लिश थोड़ा ज्वाइन कर लेना है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए ताकि आप ईमेल लिख सके, आप सप्लायर से बात कर सके, इंजीनियर से बात कर सके, आप प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर सके, क्योंकि जब आप स्टोर में रहेंगे, वेयर हाउस में रहेंगे, तो वो आपसे कॉल करेंगे, लोग पूछेंगे कि आपके स्टोर में क्या पड़ा है, आप उनका मटेरियल आया है नहीं आया, तो उन्होंने आपको ईमेल करना है, आपको उनको ईमेल करना है, और जो है इसके साथ साथ में आपको कॉल से भी बात करनी है, सिर्फ ईमेल ही नहीं करनी है, तो उतनी आपको आनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम फराटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, इतना है कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपको आप जो सामने वाले को बोले तो समझ में आ जाए, और आप जो बोले उनको समझ में आ जाए, उनका बात आपको समझ में आ जाए, और आपके पास में कैसा भी ईमेल आए आप रिप्लाई कर सके, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको ज़रूरी है। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ, तो एक्सपीरियंस अगर आपने काम नहीं किया हुआ है तो नहीं मिलेगा, ठीक है, आप ढूंढेंगे एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो नहीं मिलना है। लेकिन ये चैनल पे जितनी वीडियो अपलोड हो गई है और अपलोड हो रही है, वो सारी वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि आप साल दो साल काम करेंगे वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स की नॉलेज आपको दी गई है। तो एक्सपीरियंस यहाँ से ले लें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी ले सकते हैं आप, और सर्टिफिकेट भी कहीं से ले सकते हैं आप। तो उसके साथ साथ में आपको मैं बता दूँ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसके साथ में यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी होगा इसमें आप अपना टाइपिंग का भी ऐड कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको की क्वालिफिकेशन यानी टोटल एक्सपीरियंस मैंने दिया हुआ है, अगर आपके पास में जो है अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप नेम ऑफ कंपनी, पोजीशन और पीरियड डाल देंगे कि कितना जो है आपकी एक्सपीरियंस कौन कौन सी कंपनी में कितना है। उसके बाद से देखिए की जो है यहाँ पे मैंने क्या डाला है, स्किल की का मतलब कि आपके पास में जो एडवांस नॉलेज है वो चीज़ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर विथ गुड एक्सेल नॉलेज, ठीक है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आपको एक्सेल में अच्छा कमांड है तो ये होना चाहिए, ठीक है। अपडेट द क्वांटिटी ऑन बीन कार्ड एक्सेल शीट विद द हाइपरलिंक, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है अपने वीडियो में कि कैसे बनाना है, और बीन कार्ड क्या होता है, स्टॉक कार्ड क्या होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो जो है आप देखा करें और इस चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। ये रिसीविंग, मूविंग, चेकिंग एंड स्टोरिंग इनकमिंग गुड्स के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, ये भी चीज़ होनी चाहिए। रिसीविंग यानी रिसीव करना है मटेरियल्स, चेक करना है, स्टोर करना है, जो है आपको गुड्स मिलेगा यानी जो मटेरियल्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे है चेकिंग एंड इंस्पेक्टिंग, ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है आपको कि मटेरियल्स जो आ रहा है उसको इंस्पेक्शन आपको करके उसको जो है अच्छे कंडीशन में चेक करना है, अगर अच्छे कंडीशन में है तो रिसीव करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है ना। इंश्योर हो जाना है कि क्वांटिटी जो है एकदम सेम है कि नहीं। उसके बाद से यहाँ पे सुपरविजन वर्क भी लिखा है, जूनियर स्टाफ यानी कि आपको जो है अपने छोटे छोटे स्टाफ को जो लेबर्स होते हैं आपको जो मिलेंगे उनको भी आपको ट्रेनिंग देनी है, उनको बताना है कि भाई इस पे ऐसे लिखना है, इसकी क्वांटिटी ऐसे काउंट करो, ऐसे काम करना है, ठीक है ना। तो जूनियर स्टाफ जो है उनको आपको बताना है। उसके साथ साथ में यहाँ पे है प्रिपेयरिंग डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, प्राइसिंग, ये तीनों चीज़ मैंने आपको बता दिया हुआ है। आपको डेली रिपोर्ट के भी बारे में बताया हुआ है जो कि डेली सुवेंस के नाम से है,
वीकली रिपोर्ट के बारे में बताया है जो कि रिसीविंग रिपोर्ट के नाम से है, और प्राइसिंग तो आपको पहले ही कोटेशन में मैंने बता दिया है कि प्राइसिंग क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद से मैंने यहाँ पे डाला है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन ये भी चीज मैं आपको सिखा दूंगा, या आप कहेंगे तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि ये चीजें जरूरी नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप कंप्यूटर्स में जब जाएं बैठे तो आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर मिले तो इसको इंस्टॉल कर लें। तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग इजी है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है ये भी इजी है। आईटी बेसिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकें, हालांकि ये चीज़ें जरूरी नहीं है लेकिन अगर रह रही है आपके पास में तो ये आपकी प्रॉफिट है। इससे क्या होगा कि आप जो है कंपनी में जल्दी जो है प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप जो है आपको आनी चाहिए, तो ये जो आप बीसीए एडीसीए करेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको उस कंपनी में कुछ प्रमोशन मिल जाए तो आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है वीडियो एडिटिंग भी डाल दिया है, ठीक है ना, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कंपनी में प्रोग्रेस आप कर सकते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है। लेकिन आप अगर नहीं भी सीखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग मैंने डाला है 25 से 35 के बीच में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑनलाइन वर्क मैंने डाला हुआ है यहाँ पे टिकटिंग बुकिंग डाटा एंट्री और फॉर्म अप्लाई, ये तो हर किसी को आता है, तो अगर आपको पता है तो ये भी जरूर आप अपने सीवी में डाल दें। अगर नहीं है तो यहाँ से आप कंप्यूटर फॉर्मेटिंग नहीं पता तो ये भी नहीं डालेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन तो कोई भी कर लेता है, आईटी बेसिक नॉलेज नहीं है तो इसको हटा देंगे, फोटो एडिटिंग नहीं है तो इसको हटा देंगे, वीडियो एडिटिंग नहीं है तो इसको हटा देंगे, लेकिन ये टाइपिंग वाले को जरूर रखेंगे। ऑनलाइन वर्क तो सबको पता होता है, टिकट बुक करना कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें आपको इसमें डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स स्किल, ठीक है ना। डायनेमिक्स स्किल्स जो है आपको होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा है TRN INVG आइटम PO समरी ETC। अब देखिए इसमें क्या है, TRN ट्रांसफर नोट का हो गया, INVG जो है यहाँ पे इनवॉइस का हो गया, आइटम्स जो है इसमें आइटम रिक्वायरमेंट्स का आ जाता है, और PO का मतलब परचेज ऑर्डर, और समरी इसमें आता है, PO के साथ में जो है समरी भी आता है जिसमें हम चेक करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है ERP में बता दूं आपको, ट्रांसफर ऑर्डर बनाने के लिए आता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑर्डर जो है आपको इसमें ERP में बनाने के लिए आता है कि कैसे बनाते हैं। ये चीज़ें मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट जो जब वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें, तो ये चीज़ भी मैं अपलोड करूंगा कि ट्रांसफर ऑर्डर जो है ERP में कैसे बनाते हैं। उसके बाद से ये भी बताएंगे कि मटेरियल इंश्योरेंस वाउचर कैसे बनाते हैं, फिर मटेरियल रिसीविंग वाउचर कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट रिसीव कैसे करते हैं, परचेज ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना, समरी ऑफ डिलीवरी जो होती है उसको कैसे देखते हैं, EMR MRPR इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल रिक्वेस्ट, मटेरियल रिक्वेस्ट और प्रोडक्ट रिसीव इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। ऑन हैंड चेक मटेरियल्स विद प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट के साथ में जो है ऑन हैंड कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी मटेरियल्स कौन से लोकेशन में यानी कौन सी साइट पे पड़ा हुआ है और कितने पड़े हुए हैं। आइटम ट्रांजेक्शन विद एवरी आइटम्स, ये आपको चेक करने हैं कि ERP में इसको कैसे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास 10 ब्रश पड़ा हुआ है, 10 कंप्यूटर पड़ा है, 10 लैपटॉप पड़ा है, तो इन फ्यूचर मैंने जब ट्रांजेक्शन करना है या मैंने कभी किया हुआ है तो उसका ट्रांजेक्शन चेक करना है आपको, तो कैसे चेक करेंगे ये चीज़ें आपको हम बताएंगे कि कैसे देखना है। अब देखिए इसमें स्टोर मटेरियल्स की नॉलेज की जो आ गई, तो इसमें मैकेनिकल्स, सिविल्स, इलेक्ट्रिकल्स, सेफ्टी, ये सारे मटेरियल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है आप जो है काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें MEP होता है, यहाँ पे E लगा देंगे तो इलेक्ट्रिकल्स हो जाएगा, ME और P लगा देंगे तो प्लम्बरिंग हो जाएगा, तो MEP आता है इसमें। तो मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स और सिविल्स की जो है मटेरियल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये होगा तो आप ज़्यादा जो है इंटरव्यू में पास होने की जो है आपकी जितनी भी कोशिश है वो बढ़ जाएगी, और आप ज़्यादा जो है जल्दी आप किसी भी कंपनी में ग्रोथ करेंगे, तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स दे देना है, पासपोर्ट का डिटेल्स दे देना है, अपना एड्रेस दे देना है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी वाली CV में, जहाँ से आप ये CV देख लीजिए, ये थोड़ा सा मैंने अलग बनाया हुआ है, थोड़ा सा प्रोफेशनल CV है, ठीक है ना। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है ना फॉरवर्ड करना है, हर चीज़ जो है इसमें मैं आपको हर जो चीज़ है अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो वैसे ही सेम टू सेम जो है एक्टिविटीज़ कुछ भी डाल देनी है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे एजुकेशन डाल देना है, हायर सेकेंडरी है तो ठीक है, यहाँ पे 10th है। उसके बाद से यहाँ पे जो है नीचे में मैंने जो है इसका जो भी बोर्ड है उसका नाम दे दिया है यहाँ पे,
ठीक है ना। उसके बाद से ADCS और यहाँ पे CSA का दोनों को दे दिया, एक्सपीरियंस मैंने दे दिया स्टोर कीपर, एज ए स्टोर कीपर आपने काम किया, अच्छा काम किया, तो आप वेयर हाउस सुपरवाइजर हो गए, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस इसमें हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है यहाँ पर देख लीजिए, एनालाइज शिपमेंट लॉग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, रिव्यू टाइमिंग ऑफ द सेवर डिलीवरी, उसके बाद से ट्रैक इन्वेंटरी लेवल्स, यहाँ पे ऑर्डर न्यू सप्लाई, वही चीज है जो चीजें मैं आपको बता रहा था, वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना, सेम टू सेम। ये चीजें आप अपने सीवी में जोड़ सकते हैं, ठीक है, जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीजें आप दे सकते हैं। अब स्किल्स में आ जाते हैं, स्किल्स में यहाँ पे मैंने जनरल स्किल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जनरल स्किल्स आप चाहे तो आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है, ये चीजें आपको नहीं देनी है तो नहीं दे सकते, आपके ऊपर है। यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स, वेयरहाउस मैनेजमेंट और इन्वेंटरी कंट्रोलर, ये चीजें आपको देनी है। उसके साथ साथ में टेक्निकल स्किल्स में मैंने ERP सिस्टम का डाल दिया हुआ है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, ये चीजें नहीं डालनी है अगर नहीं पता है तो, वैसे तो हर किसी को पता होता है। उसके बाद से विंडो और लिनक्स सिस्टम्स आपको आता है तो ठीक है, तो विंडो आप डाल देंगे, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 जो भी आप चलाते हैं, और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग फोटोशॉप नहीं है तो उसको हटा देंगे, ऑनलाइन टिकटिंग का आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। उसके बाद से बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट एंड बेसिक IT आपके पास में है तो डाल सकते हैं, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, ठीक है ना। तो एक प्रोफेशनल आपको बनाना है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी जो भी है यहाँ पे डाल देनी है, एड्रेस डाल देना है आपको, उसके साथ साथ में आपको जो है सारे डिटेल्स यहाँ पे रखने हैं। तो ये चीजें आपको ख्याल रखना है जब जो है आप बनाएंगे CV, तो उसमें आपको रखना है। तो अगर आप जब जाएंगे, एग्जाम्पल आप जा रहे हैं इंटरव्यू में फेस करने, तो इंटरव्यू में फेस करने जा रहे हैं तो आप जो CV बनाएंगे तो CV आपको उस टाइम में हेल्प भी करेगा कि आप जो जो चीज़ें जानते हैं उसमें आपने मेंशन किया हुआ है, जब जाएंगे तो आपको उसकी जो है नॉलेज भी हो जाएगी। और उसके साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे गाइड करते रह रहा हूँ कि कौन सी मटेरियल्स का क्या नाम है, कैसे काम होता है, रैक में कैसे बिन कार्ड, स्टॉक कार्ड को मेंटेन करते हैं, कैसे डेली रिसीविंग रिपोर्ट बनाते हैं, अटेंडेंस शीट बनाते हैं, और एक स्टोर कीपर का क्या क्या काम होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, टॉप 10 क्वेश्चंस, हर चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर देने के लिए, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में आपको लोगों के लिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो क्या होता है थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों को आंसर देने के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चैनल पे